Masrat Zahra. I am a Kashmiri-based photojournalist. I have been working here from last 2 years. We are living in a conflict zone, and I think there should be a female perspective of conflict. My name is Sanna Mattoo. I'm a photojournalist. I'm working in Kashmir more than 2 years. I believe your gender shouldn't make a difference, but your work. जब मैं पहले अपने कॉन्फ्लिक्ट असाइनमेंट पे गई थी, I went to Pulwama. वहाँ पे एक सिविलियन की डेथ हुई थी. So I had to meet her wife, her one-year-old baby. So I talked to them and I controlled my tears, and with tears in my eyes I clicked those pictures and I went on. वहाँ पे कहीं encounter चल रहा है या कहीं पे somebody got killed, तो story खत्म नहीं हो, story starts after that. Recently when you know that civilian was killed, so उसका funeral भी हो गया था. But what I did, I went there, I went to his home. और फिर मैंने वहाँ पे शूट किया, बिकॉज स्टोरी स्टार्ट्स आफ्टर व्हाट हैपेंस. एवरी वॉल पे अपनी पिक्चर अपलोड की विद इन नो टाइम, दैट सर्कुलेटेड इन टू सोशल मीडिया. तो उस पर कैप्शन हुआ था लाइक मुखबिर, बिकॉज पीपल इन कश्मीर आर नॉट यूज्ड टू फीमेल फोटो जर्नलिस्ट. उन्होंने एक लड़की को एनकाउंटर साइट पे नहीं देखा है विद आर्मी मैन एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, सो दे लेबल्ड मी एज एन इन्फॉर्मर. दैट डिप्रेस्ड मी अ लॉट. दे पास कमेंट्स टू मी. पता नहीं इसके घर वाले कैसे हैं, छोड़ दिया इसको, ऐसे ऐसे जाना था फील्ड में, ऐसे क्यों काम करना था, इट्स नॉट हर जॉब. तो मेरी फैमिली ने भी देखा, तो उसके बाद मेरी मामा ने बोला हाँ इसीलिए तो बोलती थी ऐसा मत जाओ. मैं शूट कर रही थी, रिस्ट्रिक्शंस कुछ कर्फ्यू था, सो आई वाज शूटिंग इन द डाउनटाउन. पुलिस ने लाइक दे कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी तुम आप क्या कर रहे हो. दे आस्क्ड मी आप आई कार्ड दिखाओ, कहाँ मतलब आप क्या क्यों कर रहे हो, अभी नहीं कर सकते हो, लाइक दिस वाज फ्रॉम द पुलिस साइड. सो दीज आर काइंड ऑफ अ चैलेंज यू मे फेस. Being a girl, you go in the field and how it feels. Like I have never prioritized this gender thing over my profession, or you can say passion. In this field, you have to create your space. So that's what I am doing, like any other photojournalist in the field. My dad supports me. वो पहले से ही मुझे support करते थे. And my brother brought a camera for me. He gifted a camera. माँ का दिल ऐसा ही होता है, तो माँ अभी भी support नहीं करती है. वो अभी भी बोलती हैं, मैंने तुम्हें बोला तुम मत करो इस फील्ड में, कुछ और जॉब करो, वी विल हेल्प यू. व्हाइल वर्किंग इन द फील्ड आई मीन यू शुड बी वेरी इथिकली साउंड, इथिकली कॉन्शियस एंड फिजिकली सेफ. व्हेन यू कीप दीज बोथ थिंग्स इन योर माइंड एंड कीपिंग इन द सेंसिटिविटीज ऑफ द सिचुएशन, यू विल डेफिनेटली चूज यू नो राइट ट्रैक एंड बी सेफ एंड टेक द राइट वे फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर वर्क.